हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ओरियो केक, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से। और इसको हम बनाएंगे कुकर में, हमें ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमने लिए हैं 3 ओरियो के पैकेट, लेकिन इसमें से हमने 2.5 पैकेट ही यूज़ किया है, उसको ऐसे निकाल लिया है। इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे अच्छे से और इसका पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और अब हम कुकर को प्री हीट के लिए रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ढक्कन से सीटी को हटा देंगे और इसमें हम डाल देंगे नमक। तली में हमें नमक डालना है। इसमें ये जो नमक है आपको थोड़ा काला काला नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें मैं पहले ही 1-2 बार बेक कर चुके हूँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ किए हुए नमक को भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने गैस को चालू कर दिया है और कुकर को हम ढक करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चलाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम बिस्किट पाउडर में डाल देते हैं 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसमें दूध डालते हुए धीरे धीरे इसको हम चलाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बिस्किट की क्रीम और बिस्किट को अलग अलग मिक्स किया था तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी। आप क्या करना, साथ में ही मिक्सी में इन दोनों को पीस देना, तो उससे जो है आपका बैटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर के तैयार होगा। तो लीजिए, हमारा अभी बैटर बनकर के तैयार हो गया है और अब हम जिस भी टिन में बर्तन में केक बना रहे हैं उसको हम पहले अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, चिकना कर लेंगे उसको, और उसको एक आटे की परत दे देंगे ताकि जो हमारा केक है वो आसानी से बाहर आ जाए। जो ये परत है हम इसको ऐसे घुमाते हुए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है, उससे अच्छे से परत आ जाए इस पे और जो ये एक्स्ट्रा आटा रह जाएगा हमारा उसको हम निकाल देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा केक टिन बिल्कुल तैयार है और अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा बैटर, केक वाला बैटर। इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे और फिर हम इसको बर्तन में डाल देते हैं और इसको हम 1-2 बार अच्छे से टैप कर लेते हैं ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, इतने में हमारा कुकर भी अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम केक टिन हमारा कुकर के अंदर रख देंगे। बहुत ही सावधानी से रखिएगा क्योंकि अभी जो कुकर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसको 20 मिनट तक लो फ्लेम पे चलाएंगे ताकि अच्छे से बेक हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम 20 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन हटा करके केक को चेक कर लेते हैं कि केक हमारा अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। हम टूथपिक इसमें डाल के देखते हैं, हमारी जो टूथपिक है वो साफ़ निकली है, तो इसका मतलब है जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपका केक अच्छे से बेक नहीं होता है तो आप 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से रख दीजिएगा और इसको ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लेना। अब हम इसको थोड़ा सा सजाने के लिए ये चॉकलेट ले ली है मैंने, 40-40 रुपये की डेयरी मिल्क, और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको चलाएंगे ताकि जो चॉकलेट है हमारी वो बिल्कुल भी जले नहीं, और इसको हम लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर चॉकलेट थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा और दूध इसमें डाल करके इसको चला सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा लो फ्लेम पे चलाना है आपको, वरना ये जल सकती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारी चॉकलेट बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको डाल देते हैं केक के ऊपर और इसको हम पूरे केक के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। और जो 1/2 पैकेट बिस्किट का हमने बचा रखा था उससे हमने केक को ऐसे सजा दिया है और साथ में डाल दिया है हमने ये गोल्डन कलर के चॉकलेट स्प्रिंकल्स, जिससे जो हमारा केक है वो काफ़ी सुंदर लग रहा था और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आप जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये केक कैसा बना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।